नमस्कार, मैं हूं चमन विज्ञानी जी, मौसम विज्ञान केंद्र से भोपाल। इसमें सबसे अधिक तापमान वेस्ट एमपी में 34.3 भवानी में रिकॉर्ड किया गया और ईस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान 38.3 चित्रकूट में रिकॉर्ड किया गया। रेनफॉल की बात करेंगे तो वेस्ट एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया गया और 3 स्टेशन पे हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया और सबसे अधिक रेनफॉल ग्वालियर जिले के अंदर 78.4 mm को रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से ईस्ट एमपी के अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल को पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया और 1 स्टेशन ने हैवी रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है और 71.2 mm छतरपुर जिले के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। आज की अगर मौसम की चर्चा के बारे में बात करेंगे तो कल जो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, आज सुबह वो 8:30 बजे जो है वो डिप्रेशन के ऊपर जो है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल जो बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर आज वो डिप्रेशन बन गया है और उसके 24 घंटों के अंदर जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के जो है वो चलने की आशंका से उड़ीसा को पार करता हुआ वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अंदर आगे 24 घंटों के अंदर जो है वो गतिमान रहेगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और जो सौराष्ट्र जो कोस्ट है उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और मेन ट्रफ जो है मेन सी लेवल ट्रफ जो है जो मानसून ट्रफ है वो अजमेर गुना और सागर जैसे जिलों से जो है वो पार होता हुआ बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन की ओर जो है वो अग्रसर है। तो इन सब के होते हुए आप देख पा रहे हैं कि आज अधिकांश जो चंबल घाटी के रीजन है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपर जो है इस टाइम वर्षा की गतिविधि जो है वो जारी है और आगे आने वाले जो 5 दिनों की जो गतिविधि है आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो डिप्रेशन जो है जो आज सुबह 8:30 बजे बन गया है, कल वो सुबह पूरी जिले को पार करता हुआ और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो है वो राज्यों से आगे बढ़ता हुआ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जो है वो अग्रसर होने की संभावना है। तो जो डिप्रेशन जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर अग्रसर होगा उसके होते हुए वर्षा की गतिविधि के अंदर हमारे राज्य के अंदर जो है वो वर्षा की गतिविधि तेज होगी और आप देख पा रहे हैं कि वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो रायसेन, खांडवा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी जैसे और सहोर जैसे जिलों के अंदर जो है वो कल होने की संभावना, साथ ही हैवी रेनफॉल सागर, रायसेन, मंडला और नरसिंहपुर जैसे जिलों के अंदर होने की संभावना अभी बनी रहेगी। 21 तारीख की बात करें तो वर्षा के जो हैवी रेनफॉल के जो अनुपात है और जहाँ हैवी रेनफॉल का जो वर्षा गतिविधि है वो जारी रहेगी और आप देख पा रहे हैं कि अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल की होने की संभावना 21 तारीख को बनी रहेगी। इसी तरह से 20 तारीख को भी वर्षा की गतिविधि वेरी हैवी रेनफॉल टू हैवी रेनफॉल के साथ ही आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम जो साउथ के जिले हैं जैसे कि खांडवा, खारगोनी, बालगुन, नर्मदापुरम, सिवनी, मंडला, बालाघाट जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल और गरज चमक के साथ जो है वो वर्षा की गतिविधि, साथ ही चंबल घाटी के रीजन भिंड, मुरैना आदि जिलों के अंदर भी वर्षा की गतिविधि 22 तारीख को जो है वो होने की संभावना बनी हुई है। 23 तारीख के मौसम के बारे में बात करेंगे तो वर्षा की गतिविधि जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट जिलों के अंदर जो है वो अग्रसर होगी और आप देख पा रहे हैं सागर, दमोहा, निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और जो हमारे एक्सट्रीम जो वेस्ट के जो जिले हैं छबुआ और खारगोन, खारगोनी, बाड़वानी, बहानपुर जैसे जिलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल साथ में गरज चमक के साथ जो है वो होने की संभावना 23 तारीख तक बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगले आने वाले 5 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की जो गतिविधि है हमारे प्रदेश के ऊपर बढ़ेगी, साथ ही जो लाइटनिंग की जो घटनाएं हैं वो भी जो है उसमें थोड़ी सी तीव्रता आने की संभावना जो है वो जारी रहेगी। नमस्कार।